चीज केक वर्ल्ड ओवर काफी फेमस है, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि भुवनेश्वर में भी चीज केक मिलता है, वो भी बिल्कुल देसी स्टाइल में, इसको कोयले के ऊपर बनाया जाता है। तो आप ही हैरान हो जाओगे, आज आपको दिखाते हैं देसी चीज केक की मेकिंग, जो कई सौ सालों से भुवनेश्वर शहर के अंदर बनाया जा रहा है। इसको बोलते हैं चेना पोड़ा। 10 किलो में 400 ग्राम सूजी डाल दिया, ये डाल रहे हैं इलायची पाउडर, बहुत ही बढ़िया। ये उड़ीसा की ट्रेडिशनल मिठाई है। अच्छा, इसमें ऑयल डाला हुआ है, ऑयल घिस रहे हैं जैसे केक बनाते हैं, एकदम वैसा ही है, ऑयल से ग्रीस कर रहे हैं उसे। हाँ, अच्छा, ये पत्ते रखे जा रहे हैं, ये किस लिए रखते हैं जी? अच्छा, तो जैसे आप कह सकते हो कि बटर पेपर रखते हैं केक बनाने के टाइम, वैसे पत्ते रखे जा रहे हैं। एकदम ट्रेडिशनल केक कह सकते हो आप इसको, देसी केक। कितने केक बन जाते हैं ऐसे, कितने किलो बन जाता है छेना पोड़ा डेली? अच्छा, 50 किलो के दो बार, तो मतलब 100 किलो तक बन जाता है। तो ये देखिए, छेने को मिक्स करा जाएगा, इलायची पाउडर जो डाला गया था उसके साथ। अभी छेने के साथ चीनी डाल दी गई है और अभी इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा। ये देखिए, छेना के केक बनने के लिए तैयार है। ऊपर से पत्ता रखा जा रहा है। अब इसको ढक रहे हैं। ये है क्या भैया? अच्छा, वो है, तो इट्स प्लेट से ढक रहे हैं, और ढक के फिर इनको एक एक करके रखा जाएगा भट्टी पे, वो भी आपको दिखाते हैं। तो हमारे छेने के पतीले आ चुके हैं और अब यहाँ पे स्टार्ट होगा डेंजरस वाला काम। ये देखिए, जलता हुआ कोयला है, कोयले को निकाला जाएगा। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी गर्म, एकदम जलता हुआ कोयला, और काफ़ी रिस्की वाला काम है। हल्का सा भी लग जाए बहुत ज़्यादा जल सकती है स्किन, 3rd degree बर्न्स हो सकते हैं आपको इससे। अब इसके ऊपर एक एक करके रखा जाएगा ये छेने पोड़े के जो हमारे मोल्ड्स हैं, या फिर आप पतीले कह सकते हैं। कितनी देर तक पकाते हैं भैया इसे? 25 मिनट्स लगता है, 25 मिनट लगते हैं इसको पकने में, और ऐसे एक एक करके रख दिया जाएगा। शुगर कैरेमलाइज होगी, पकेगी, साथ में छेना थोड़ा ब्राउन होगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा आउटपुट निकल कर आता है इसका पतीले, और ये ऊपर से भी कोयला जाएगा। ये देखिए गाइस, ऐसी चीज़ बनते हुए आपने नहीं देखी होगी। तो अब यहाँ पे छेना पाउडर निकाला जा रहा है, ये बन के तैयार है ये वाला। ये देखिए गाइस, एकदम सिजलिंग हॉट, गर्मा गर्म छेना पोड़ा बन चुका है। ये देखिए, एकदम चीनी पूरी कैरेमलाइज हो चुकी है और छेना भी पक चुका है साथ में। ये छेना पोड़ा ऐसे बन के तैयार है, ये देखिए आप, एकदम कैरामलाइज हो गई है शुगर। और एक बार ऊपर से हटा के दिखाओगे भैया? ठीक है। ये देखिए गाइस, ये 1 किलो का रहता है गाइस, और टुकड़ा करके देते हैं। ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला, ये अच्छा खाने के लिए पार्सल भी देंगे। हाँ हाँ, वो लेते वो सुबह फूल हो जाएंगे। पहल उत्कल हुंडई अपोजिट है, मैं संतोषी सुस्त। और आपका फोन नंबर अगर किसी को कॉल करना हो तो? ठीक है, 9777 9555 2132।